वेलकम बैक दोस्तों, सेकंड थ्री में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम आज ग्रास ऊपर का इंट्रो पोर्शन का सेकंड वीडियो जो है हम लोग देख रहे हैं। और पहले वीडियो में मैं कोर्स का ओवरव्यू दे दिया था मैंने कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो ग्रास ऊपर को डाउनलोड कहाँ से करें, ये काफ़ी सारे लोग पूछे मुझे पूछा है, जिन्होंने मेल भी किया है मुझे, कमेंट बॉक्स में भी पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो ग्रासहॉपर है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके से आपके पास सिर्फ राइनो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप ये साइड देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे grasshopper3d.com पे जाइए, grasshopper3d.com। ठीक है, आप जाओगे तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे देखिए ये होम डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, मैक के लिए चाहिए तो मैक के लिए कर लीजिए, और रैनो के लिए चाहिए तो रैनो के लिए। सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप तो सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो आपके पास एक पेज खुलेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आने के बाद, डाउनलोड में आने के बाद आपको देखिए ग्रास ऑफर इज इंक्लूडेड विद राइनो 6। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि राइनो 6 में ग्रास ऑफर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है या आता है इनबिल्ट में। तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास राइनो 6 है। और अगर आपके पास राइनो 5 है तो आपको ग्रास ऑफर रेडीमेड नहीं मिलता, तो आपको उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर से। और ओल्ड ग्रास ऑफर फॉर राइनो 4, तो राइनो 4 के लिए भी ग्रास ऑफर अवेलेबल है। सो अगर लेकिन उसके लिए SR8 चाहिए होगा आपके पास में, तो आप चेक कर लेना आपके पास SR8 है या नहीं है। सो वो देख सकते हो आप। और लेटेस्ट सर्विस रिलीज मतलब 5.14 जो 14 है, SR14 है, लेटेस्ट है, तो उसके लिए ही अवेलेबल है, समझ लीजिए आप। सो दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मतलब राइनो 5 का करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक मतलब नेक्स्ट पेज ओपन होगा ये वाला। तो इसके अंदर आपको ये साइट का नाम पूछेगा, वो सॉरी ईमेल पूछेगा वो। तो ईमेल डाल दीजिए आप यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी ईमेल डालना है तो कुछ भी मतलब कुछ भी XYZ जो भी डालना है आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब abcd@abcd.com भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जैसे ही आप डालोगे नेक्स्ट करोगे तो आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। 7.4 MB का है तो 7.4 MB है तो आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पास ऑलरेडी राइनो 6 है और उसके अंदर मेरा इंस्टॉल्ड आता है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। लेकिन मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये मैंने डबल क्लिक करता हूँ, RHI फाइल आती है यहाँ पे, ग्रास ऊपर 0.976 वाली 0.0.RHI। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए इंस्टॉलेशन विजार्ड आ गया है यहाँ पे राइनो 5 के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर मी एनी अनदर कंप्यूटर, तो ठीक है नेक्स्ट कर लीजिए। 32 बिट के लिए भी इंस्टॉल हो रहा है देखिए, और क्लोज कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने राइनो 6 में एक बार क्लोज कर देता हूँ और मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ। देखिए ओपन करते ही ग्रास ऑफर का एग्रीमेंट आ गया है, आई हैव रीड आई अंडरस्टूड एक्सेप्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लोडिंग ग्रास ऑफर आ गया है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने राइनो 5 ओपन किया है और इसके अंदर आ गया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हुआ ही नहीं हुआ, तो मैंने दिया ग्रास, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप कमांड बार में आप दोगे ग्रास लिखोगे GRASS लिखोगे तो ग्रास ऑफर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो दोस्तों आप इंस्टॉलेशन का तो समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो में दी हुई है,
और बता दी है मैंने आपको, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैंने बता दिया है। सो आप मतलब आप जैसे मत पूछिए कि मुझे कैसे इंस्टॉल करना है मतलब नेक्स्ट वीडियोस में, सो आप प्लीज़ वीडियोस देखिए और स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। अगर आपने डायरेक्टली स्किप करके कोई वीडियो देखने की कोशिश की तो फिर आपको पता है कि मतलब मैं डायरेक्टली इस प्लान की वीडियोज डालता हूँ प्रोजेक्ट्स के, आप फिर प्रोजेक्ट्स देखते हो बहुत अच्छा लगता है आपको, फिर आप करते हो लेकिन आपको कमांड्स नहीं पता होती, तो प्लीज़ दोस्तों पीछे जाइए और एक बार वीडियोस देखिए, समझ जाओगे कि क्या कमांड है और कैसे यूज़ करनी है, फिर आप प्रोजेक्ट्स को कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको कुछ इसमें इशू होगा या आपको कुछ बताना होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। सो दोस्तों ये ग्रास ओपर पर क्लिक करते ही ये देखिए ग्रास ओपर स्टार्ट हो गया है और एक विंडो आ गई है। सो दोस्तों ये एक है जो आप इजीली कर सकते हो कोई भी चीज का जो मतलब जो भी करना है मतलब इसके अंदर से कर सकते हो, और इसके बारे में अपन नेक्स्ट विंडो में इंटरफेस वगैरह जो है कैसा करना है किस तरीके से करना है ये आपको मैं बता दूंगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और जरूर कीजिए, जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको इनकी सीखने की जरूरत है और जो इंटरेस्टेड है। सो दोस्तों अगर आपको बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप प्लीज रीजन भी लिखिए कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।